सो हे गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल मोनू में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब आप लोग फोन पे एप्लीकेशन में जाके अपने बैंक का बैलेंस चेक कर रहे हैं तो गाइस आप लोगों को वहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप लोगों को यही प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं अनेबल टू प्रोसीड। गाइस यही प्रॉब्लम आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल रहा है जब आप लोग फोन पे एप्लीकेशन में जाके अपने बैंक बैलेंस को चेक कर रहे हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ गाइस आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पे मैं फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे गाइस फोन पे एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे चेक बैलेंस पे क्लिक करना है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस अब आप लोगों को यहाँ पे अपने बैंक पे क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे अपना यूपीआई पिन इंटर करना है। यहाँ पे आप लोगों को अपना यूपीआई पिन डाल देना है। यूपीआई पिन डालने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी देर का वेट करना है। यहाँ पे गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यही प्रॉब्लम फिर देखने को मिल रहा है। तो गाइस चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिख जाएगा, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को अपने बैंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितना बैंक आप ऐड किए रहेंगे यहाँ पे दिखा देगा। अपने बैंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं अनलिंक बैंक अकाउंट, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। अनलिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ से अपने बैंक अकाउंट को अनलिंक कर लेना है। अनलिंक करने के बाद गाइस यहाँ से आप लोगों को पूरा बैक आना है। यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन से पूरा बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाकर फोन पे यहाँ पे सर्च कर देना। अगर गाइस आपका फोन पे अपडेट मांग रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन पे को अपडेट करना है। यहाँ पे मेरा फोन पे अपडेट नहीं मांग रहा है। तो गाइस आप लोगों को यहाँ से पूरा बैक आना है। एंड गाइस यहाँ पे आप लोगों को फोन पे पे कुछ देर तक टैप किए रहना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन यहाँ पे दिख जा रहा होगा, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरेज एंड कैश का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कैश पे क्लिक कर देना है और गाइस यहाँ पे क्लियर स्टोरेज पे भी क्लिक कर देना है। और गाइस आप लोगों को यहाँ से बैक आना है। यहाँ से गाइस पूरा बैक आना है। एंड गाइस अब आप लोगों को अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे अब आप लोगों को अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद गाइस अभी यहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे गाइस ओटीपी आ गया, ओटीपी ऑटोमेटिक उठा लिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, सबको आप लोगों को अलाउ कर देना है। उसके बाद गाइस अब आप लोगों को यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का दिख जाएगा, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक करके अपने बैंक का नाम आप लोगों को यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद गाइस आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है। गाइस यहाँ पे मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, यहाँ पे मैं इंडिया लिख दिया। यहाँ पे नीचे आ गया गाइस आप लोगों का बैंक भी ऐसे आ जाएगा। आप लोगों को इस पर क्लिक करके अपने बैंक को ऐड कर लेना है। यहाँ पे गाइस थोड़ा वेट करना है आप लोगों को। एंड गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे और थोड़ा आप लोगों को वेट करना है। और गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैंक गाइस यहाँ पे फोन पे से लिंक हो गया, ऐड हो गया है। तो गाइस अब आप लोगों को क्या करना है गाइस, अब आप लोगों को गाइस यहाँ पे प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। एंड गाइस अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा बैंक गाइस यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडिया पोस्ट में। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे गाइस यहाँ से आप लोगों को बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को चेक बैलेंस पे फिर से क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपने बैंक पे फिर से क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डालना है। यूपीआई पिन डालने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे सही वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा देर का वेट करना है। वेट करने के बाद गाइस अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बैंक बैलेंस गाइस यहाँ पे सक्सेसफुली दिखा दिया है। तो गाइस आप लोग इसी प्रकार से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर गाइस फिर भी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ गया,
गैस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है गैस डोंट वेरी वी विल ट्राई लिंकिंग योर बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली आफ्टर 6 आवर। गैस यहाँ पे कह रहा है कि गैस आपका जो बैंक अकाउंट है ऑटोमेटिक गैस जो गैस आपका प्रॉब्लम आ रहा है बैंक बैलेंस चेक करने में, गैस ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक 6 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा। आप 6 घंटे के बाद बहुत ही आसानी से अपना बैंक बैलेंस चेक कर पाएंगे। तो गैस अगर आप लोगों का प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं सही हो रहा है तो गैस आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैस आपका ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक 6 घंटे के बाद सही हो जाएगा और गैस आप लोग 6 घंटे के बाद अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन का बैंक बैलेंस चेक कर पाएंगे। तो गैस मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। अगर गैस आप लोगों को समझ में आ गया हो तो गैस आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गैस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।